चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करता हूँ नोएडा के हॉन्टेड वाले फ्लैट का। उसमें मैंने आपको कहा था कि सेकेंड पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फुटेजेस, जो फुटेजेस मेरे पास आए थे उस पैरा इन्वेस्टिगेशन के। हालांकि इससे भी ज़्यादा फुटेजेस थे, लेकिन मैंने पार्ट फर्स्ट में बता रखा है कि उसे डाल नहीं सकते, वो हमारी मजबूरी है कि ये ओनर ने हमें मना किया था। अभी एक्सप्लेन करते हैं आपको, एक्सप्लेन करने का टाइम आ गया है। देखिए, मुझे लग तो रहा है कि आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन की वॉइस थी, ठीक है। ये देखिए, ये PIR सेंसर जो लाइट है, और ये देखेंगे ना, ये K2 है। अगर आपके पास जूम का ऑप्शन होगा तो ये K2 मीटर है। कोई भी अगर है तो आपने ध्यान दिया K2 कितने तेज से ब्लिंक कर रहा है, लेफ्ट राइट हो रहा है। मतलब इसका जो मिनिमम से मैक्सिमम तक कितने फास्ट जा रहा है ये। और यहाँ इकोवॉक्स चल रहा था। आप अपना नाम बता सकते हैं? आप अपना नाम बता सकते हैं? ये दरवाजा अपने आप से बंद कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये दरवाज़ा खुला। उसके बाद यहाँ पे जितने भी लोग थे, मेरे टीम मेंबर्स थे और जो हाउस ओनर थी, वो लोग को मैंने भेज दिया था। उनको भेजने के बाद गोप्रो पे वीडियो मतलब लगातार चल रही थी, मैंने इसे हटाया नहीं था। उनको भेजने के बाद मैं खुद अकेला आया फिर, और आने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद किया। कर्टेंस को भी आप खोल देते हैं कई बार। अब मैं जानबूझ करके यहाँ पर अकेला इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जो लेडी यहाँ रह रही थी उनको भी भेज दिया था, और जो हमारे टीम मेंबर में इन्वेस्टिगेटर थी एक फीमेल, उनको भी बाहर भेज दिया था। मैं देखना चाहता था यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आएगा। आप देख रहे हैं कितनी शांति है। वो आप टक, क्या चाहते हैं ये बताइए। ये जो टक टक आवाज आ रही है, वॉल क्लॉक की आवाज आ रही है, कितनी शांति है। आप वही मैरिड लेडी है ना जिन जिनकी डेथ हुई थी? देखा आपने केटू को? देखिए, जैसे मैंने ये सवाल पूछा, आप वही मैरिड लेडी है ना जिनकी डेथ हुई थी। और देखिए, ये दरवाजा खुल गया, कोई नहीं इसके पीछे। ये लोग इधर कहीं हॉल पे बैठे हुए थे, जो भी है, जो भी थे वहाँ पे हमारे टीम मेंबर में। ये दरवाजा आपने खोला? ये देखिए। हाँ, मैंने पूछा ये दरवाजा आपने खोला? ये PIR सेंसर लाइट भी जली, और ध्यान से देखिएगा, PIR सेंसर लाइट देखिए, यहाँ PIR सेंसर लाइट है और ये K2 है, दोनों में एक साथ हुआ है। ये देखिए, देखा आपने, दोनों में एक साथ इंडिकेशन आया है। वेरी गुड। अब ये K2 थोड़ा सा एक्टिवेट हुआ था। अपना नाम बताइए आप। इसके बाद मैं शॉर्ट में बताता हूँ क्या हुआ था कि ये सब करने के बाद मैंने सारे इक्विपमेंट को बंद कर लिया, क्योंकि लेट काफ़ी हो गया था। मैंने वाइंड अप कर रहा था, इक्विपमेंट वाइंड अप करके बैग में रख रहा था, सब स्विच ऑफ करके। ये जो दरवाज़ा इतना सा खुला था ना, ये बंद हो गया था और ये लॉक हो गया था ये। और चूँकि अंधेरा इतना ज़्यादा था, एक छोटी सी लाइट कहीं जल रही थी इधर कहीं कोने में, वो कैप्चर नहीं हुआ है कैमरे पर।
बट उसका कोई फ़ायदा नहीं था, वो लाइट भी ऑफ ही हो गई थी, मुझे जहाँ तक याद है लाइट भी ऑफ हो गई थी। उसके बाद यहाँ कहीं पे स्विच बोर्ड था तो मैंने लाइटर जलाया था, उसके बाद जा कर के दरवाजे को खोला था और उस टाइम मैं कंफर्म हो गया था कि नहीं यहाँ पे एक हैवी एनर्जी है। दूसरे क्लिप को देखते हैं जो मैंने इनके डाइनिंग हॉल पे किया था, जहाँ पे चीज़ें हमेशा, ये देखिए भेजना चाहता हूँ और आज मैं चला जाऊँगा। इसमें एक थोड़ी सी कमी रह गई है, जो कैमरा जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे वीडियो, उन्होंने हाथ को बहुत ज़्यादा मूव कर दिया, शायद दोबारा आपसे कोई और बात ना करें। ये देखिए ये PIR सेंसर है, ये इनके अपने कुछ रखे थे चम्मच वगैरह, ये ट्राई सेंसर है, ये देखिए दोबारा देखिए। मैंने पूछा ये कर्टेंस भी, कर्टेंस भी आप सुबह में खोलते हो या कोशिश करते हो? देखा केटू को, देखा आपने कितनी फास्ट ब्लिंकिंग हुई, और ये देखो PIR को देखो। घर पे रह चुके हैं एक्चुअली, इस तरह की जो इतनी स्ट्रांग ब्लिंकिंग आती है ना केटू में, दैट इंडिकेट्स वेरी वेरी स्ट्रांग एनर्जी, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है। आप उस वक्त मैरिड थे या आप अनमैरिड थे? तो अब आपको लगता है कि इस घर में आप आराम से रह रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी है? ये देखिए मैंने पूछा इस घर में आप रह रहे हैं आराम से, ये आपकी प्रॉपर्टी है, देखा आपने? ये देखिए ट्राई फील्ड पे भी आया इंडिकेशन, और K2 तो मैं आपको कह रहा हूं कि यहां बच्चे, ये तो कुछ मच्छर वगैरह था, ये और नहीं था, एक आया था यहाँ पे। आप क्यों नहीं चले जाते? अब देखिएगा, किचन से कोई निकल करके एक बार उस रूम में गया था, उस बेडरूम में सुना मैंने ऐसा। ये देखिए किचन से कोई निकल करके गया था उस बेडरूम में, उसके बाद आपने देखा और कितना इंटेलिजेंट था, सुना मैंने ऐसा, देखा सुना मैंने ऐसा, सुना मैंने ऐसा, सुना मैंने ऐसा। बीच में देखिए, सुना मैंने, लेफ्ट से देखिए, सुना मैंने ऐसा, सुना मैंने ऐसा, सुना मैंने ऐसा। आप थे क्या यार? इसमें तो मैंने स्लो कर ही दिया था। ये देखिए ये देखिएगा दोबारा, ये देखिए ये ऊपर से आकर के एक यू पाथ बनाते हुए। आप उनकी बेटी हैं? बाकी ये K2 की ब्लिंकिंग है, ये बहुत ही बहुत बहुत फास्ट हो रहा था, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा था। अगर आप उनकी बेटी हैं तो 3 या 4 देखिए जो मैंने बोला ना, आप उनकी बेटी हैं, एक शायद एक और गया था, लेकिन 3 या 4 बत्ती जला फिर से PIR लाइट आई। मैंने नाम सारा हटा दिया है, मैंने उनकी इनकी ये सब रहने दिया है। इनफैक्ट वहाँ मैं रियल कैरेक्टर्स का नाम लेकर के बात कर रहा था, लेकिन वो नाम हटा दिया मैंने सारा। आप लाइट की तरफ जाएं? लाइट की तरफ जाना मतलब मोक्ष की प्राप्ति। देखिए फिर से एक इंडिकेशन पे एयर पे आया किसी क्वेश्चन पे। आपकी डेथ कैसी हुई थी, आप अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। इन्होंने कुछ कहना भी चाहा होगा तो हम समझ नहीं पाए, वो ट्राई कीजिए। ये दरवाजा भी आपने खोल बंद किया था? मुझे दरवाजा बंद होने की, वही उसी बेडरूम के दरवाजे के बंद होने की आवाज आई थी। ये देखिए स्ट्रांग इंडिकेशन कि यस हम हैं यहाँ, ये तो आपने देख ही लिया है। देखा आपने, ज्यादा कुछ नहीं था, मैंने कुछ पूछा था, स्ट्रांग इंडिकेशंस आई किस पे, मोशन सेंसर लाइट पर आई, K2 पे भी आ रही थी, K2 पे भी आ रही थी बहुत तेज़ ब्लिंक, चूँकि GoPro कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा था, फोकस वाइट था तो उतना अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ होगा, बट जो लोग बड़े स्क्रीन में देखेंगे उसको नज़र आ जाएगा ये।
फिर उसके बाद मैंने सोचा, समझ तो मैं गया कि हाँ यहाँ है तो कुछ ना कुछ। चलो भाई इसको ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं, वाइंड अप करते हैं, क्योंकि मुझे भी घर जाना है, मैं इतनी दूर NCR। तो मैं सारे इक्विपमेंट को मैंने ऑफ़ करके बैग में मैं पैक कर रहा था कि अब निकलते हैं। जैसे मैंने बैग को टांगा, एक छोटी सी लाइट वहाँ पर जल रही थी, एक छोटी लाइट जल रही थी ताकि मैं कुछ चीज़ों को देख पाऊँ। सबसे पहले तो वो लाइट ऑफ हो गई और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया, एंड मैं कंप्लीट डार्कनेस में था। कुछ भी मुझे मेरा हाथ भी नहीं दिख रहा था। मैंने पॉकेट से लाइटर निकाला, लाइटर जला करके स्विच बोर्ड तक गया, फिर लाइट ऑन किया और धम से एक आवाज़ भी आई थी, जो लकड़ी का अलमीरा होता है उसे धम से कुछ आवाज़ भी आई थी उसी रूम में। दरवाज़ा खोलने के बाद मैं मिला जो वहाँ रह रही थी लेडी, उनसे मैंने बोला हाँ यहाँ एनर्जी तो है, ऐसा है। फिर मैंने बोला कि मुझे इसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। उन्होंने उसी वक्त आसपास में ही रहते थे कोई, जिनका घर था पहले, उनको बुलाया गया। इनफैक्ट जिनका घर था वो उनका ही घर था। उन्होंने सारी बात, देखिए सारी हिस्ट्री फिर कैसे खुलती है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। उस भाई साहब ने वो घर अपनी बेटी के लिए लिया था, उनकी बेटी शादीशुदा थी और उनकी बेटी का प्लान था कि मैं, मेरा हस्बैंड और मेरे बच्चे, या शायद एक बच्चा था, बच्चा भी था, मुझे याद नहीं कि वो प्रेग्नेंट थी, मेरे ख्याल से प्रेग्नेंट थी वो, कि अब हम लोग यहाँ रहेंगे। कुछ होगी फैमिली की बात, अब उस वो तो मुझे पता नहीं है और मैं उस पर ध्यान भी नहीं देता हूँ। तो उनका एक सपना था, तो उस लड़की के डैड ने वो घर खरीद के अपनी बेटी को दिया था कि हाँ अब शादी तुम्हारी होगी, तुम यहाँ रहना। अब उस दरमियान क्या हो गया, उस बीच क्या हो गया कि उस लड़की की डेंगू से तबीयत ख़राब हुई थी और दिल्ली का एक हॉस्पिटल है वहाँ उसकी डेथ हो गई थी। बातें ये भी उस ज़माने में उठी थी कि अस्पताल वालों, हॉस्पिटल वालों की लापरवाही से डेथ हुई है। तो अब ये समझिए कि जो मैं समझ पाया कि वो वहाँ पर स्टक होकर के रह गई, क्योंकि उसके बहुत सारे ढेर सारे सपने थे जो कि बिखर गए। अब वो इतने ज़िद्द में और गुस्से में थी वहाँ पे कि उसकी प्रॉपर्टी में कैसे कोई एंटर कर सकता है। और भी इन्वेस्टिगेशंस उसके बाद फर्दर मैंने किया ये सब सुनने के बाद। एक कमरे में तो मैंने देखा कि जो वॉल क्लॉक होता है उसका घड़ी का काटा जो घूमता है ना, मीन्स सॉरी सेकंड का काटा जो घूमता है ना, जब वो 9 से, जैसे ये 9 है, सॉरी 9 ये है, मान लीजिए 9 यहाँ होता है ना, 9 से जब ये ठीक है 6 है, ये 9 है, ऐसे जाएगा और ये 9 के पास जाकर के बिल्कुल रुक गया और अचानक से फिर यहाँ आ गया ऐसे। ये मैंने अपनी आँखों से देखा था। खैर इसको एक्सप्लेन करने का मेरे पास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जितने भी घड़ी होते हैं जिनमें कांटा होता है उसमें एक मैग्नेटिक कॉइल होता है, और हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि घोस्ट एंड ये जो एनर्जी होती है, दे आर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होते हैं। ये मैनिपुलेट बड़े इजीली कर सकते हैं इस चीज़ को, भले कोई इंसान देख करके डर जाए उसके साथ ऐसा हो, मेरे साथ तो ऐसा होगा, मैं कभी नहीं डरूंगा, क्योंकि ये उनके लिए बड़ा बड़ा आसान काम है, सबसे आसान काम है ये सब करना। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक को या किसी भी ऐसे डिवाइस को जो मैग्नेटिक फील्ड से मैनिपुलेट होता है वो बड़े ईजिली कर देते हैं वो। खैर ये सारी बातें पता लगी। अब लेडी ने कहा कि सर इनको मुक्ति नहीं दिला सकते हो। तो मैंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, हम इसमें कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे, कोई गारंटी नहीं। तो पैरानॉर्मल में एक एनर्जी बस स्टेशन होता है कि जहाँ पे 3-4 लोग होते हैं, वो एक दूसरे में एक सर्कल बना के एक एनर्जी फील्ड को क्रिएट किया जाता है वहाँ पे, और जो मैं बोल रहा था वो लोग भी बोल रहे थे। ये कई बार काम करता है, ये 50% तो काम कर जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, हमें कन्विंस करना होता है स्पिरिट को कि देखिए आपकी लाइफ, आपकी अब यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है, अब रोशनी की तरफ जाइए, रोशनी की तरफ जाइए, मतलब अदर डायमेंशन में। अब इससे जो कन्विंस हो जाते हैं वो तो चले जाते हैं, जो नहीं होते हैं वो नहीं जा सकते। कोई कुछ भी कह दे हमें 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, इसको फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, नहीं हो सकता बिल्कुल। जब तक स्प्रिट ना चाहे नहीं हो सकता, या उसको कोई अपना खास जिसको बहुत ज़्यादा लाइक करते थे या करती थी, अगर उसने कन्विंस कर लिया तो ये हो सकता है कि वो चले जाए। अब किसी अननोन के लिए राज कुछ नहीं है,
ठीक है, राज मतलब उसको गुस्सा भी आ जाएगा कि राज उसकी प्रॉपर्टी में घुसा कैसे, और आपको भी गुस्सा आएगा अगर आपकी प्रॉपर्टी में मान लीजिए कोई अननोन है, बेल बजाता है, आपने दरवाज़ा नहीं खोला, आप पूछ रहे हो कौन हो भाई कहाँ से हो, उसने बोला नहीं भाई दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा आपने खोला और वो ज़बरदस्ती घुस रहा है, तो आपको गुस्सा आएगा। तो यही चीज़ है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि मैं उनकी प्रॉपर्टी में गया, मैं बाहर का था, वो लेडी वहाँ रह रही थी रेंट पे, वो बाहर की थी, तो ये सारी चीज़ें होना ही था, उसने इंडिकेट करना ही था कि तुम यहाँ मत रहो, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फर्दर बाद में उसका क्या हुआ नहीं हुआ मुझे कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि मैंने ही रिकमेंड किया था लेडी को कि आप कोई और प्रॉपर्टी ले लीजिए रेंट पे, यहाँ रहना आपका ठीक नहीं है क्योंकि बच्चे हैं यहाँ पे आपके तो डर जाएंगे, तो फिर ठीक नहीं है ये, मैंने ये बोलकर। देखिए उस लड़की के डैड भी जो है वो भी एक तरीके से बहुत परेशान थे, क्योंकि कुछ टाइम पहले उन्होंने अपना बेटा भी खो दिया था, एक बेटा था एक बेटी, बेटी डेंगू में चली गई और बेटा एक्सीडेंट में, तो इतने डिस्ट्रेस में थे कि अगर वकार राज ये कहता कि ठीक है अंकल 2 लाख रुपए आप दे दो हम इसको फ्री करवा देते हैं प्रॉपर्टी को, हमारे अपने रिचुअल्स हैं, नहीं नहीं होता। वो मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो पूजा पाठ भी करते हैं, कुछ लोगों को जानता हूँ जिनका जिनसे मेरी अच्छी बातचीत है, वो तांत्रिक भी हैं, कुछ लोग हैं जो मुस्लिम रिचुअल से भी करते हैं, लेकिन मैं उनकी बातों से उतना इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि हाँ हम ये कर ही देंगे। तो ये स्टोरी थी जो अब तक मेरे लिए विदाउट गौरव जो मैंने सोलो किया है उसमें मुझे अब तक का सबसे कन्विंसिंग लगा था। जो एक एक टाइम तो ऐसा भी आया था कि जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे डाइनिंग टेबल पे भी, मैंने सोचा दोबारा करता हूँ, दोबारा एक सेशन करता हूँ, तो मैंने उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया था, कॉम्पास होता है ना कॉम्पास, डायरेक्शन देखने के लिए नॉर्थ साउथ वेस्ट, वो रखा था, कंपास ऐसे ही घूमने लगा था। अब सोचिए कितना स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी थी वो, कितना स्ट्रांग ईएमएफ था। ठीक है, वो टाइम के साथ हम मानते हैं कि धीरे 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 ये डिसिपेट हो जाता है टाइम के साथ, जैसे चार्ज कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर को आपने चार्ज कर दिया और उसको छोड़ दिया तो टाइम के साथ उसका चार्ज डिके होने लगता है, डाउन होने लगता है। तो दिस वॉज द होल स्टोरी अबाउट माई एक्सपीरियंस। अब इसमें डराने के लिए फिर वही मैं कहता कि स्लाइड शो वगैरह डाल के, कुछ फुटेजेस डाल के, खतरनाक म्यूजिक डाल के, वो जब मुझे ज़रूरी लगेगा तब मैं कभी करूँगा, जब किसी ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ वाकई में डर लगे तो फिर करूँगा। ठीक है, अब इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, और आप सब सुरक्षित रहें, केयरफुल रहें, ध्यान रखें अपना और अपनों का, मिलेंगे जल्दी। भाइयों, जब मैं वीडियो को कर रहा था तो एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई थी, मतलब जब जब मैं बोलने के लिए जाता था या चेयर पे बैठता था तो कुत्ते बड़े ज़ोर से भौंकने लगते थे, ऐसा 3-4 बार हो गया। और मतलब पहले तो मुझे लगा इस वीडियो में इस चीज़ को डालने का कोई मतलब नहीं है, हालांकि जो मैंने स्टोरी अभी बताई है उसका कोई मुझे नहीं लगता इससे कोई कनेक्शन है, बट आपको क्या लगता है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है महज एक ये कोइंसिडेंट हो सकता है महज ये मतलब कुछ और हो जो मुझे समझ में नहीं आया, बट मैंने नोटिस किया कि जब मैं चुप हो जाता था या चेयर से उठ जाता था तो कुत्ते चुप हो जाते थे, जहाँ मैं चेयर पे जाके बैठता था और कुछ बोलना शुरू करता था फिर कुत्ते बड़े ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगते थे। तो ये पार्ट वो मैं डाल रहा हूँ अभी, आप किसी से भी हो मुझे एक्सप्लेन ज़रूर कीजिएगा ये, क्योंकि मुझे तो ये बात नहीं समझ में आई कि ऐसा क्यों हुआ। ये अजीब हो रहा है, जब वीडियो बंद कर देता हूँ तो कुत्ते चुप हो जाते हैं, जहाँ वीडियो ऑन करता हूँ तो कुत्ते फिर चालू हो जाते हैं। अभी वीडियो बंद कर दूंगा फिर चुप हो जाएंगे, 2 बार हो चुका है ऐसा। रहने दो, ऐसे ही करते हैं। चलिए,
वहाँ जो मेरा एक्सपीरियंस था, क्या चेयर पे बैठते ही क्यों चालू हो जाते हैं ये? खैर, इत्तेफाक भी हो सकता है। वहां जो